चुनावी साल शुरू हो चुका है। राजस्थान की सियासत में चढ़ाव उतार का दौर जारी है। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी दाल में सियासी तड़का लगाने राजस्थान पहुंच रहे हैं। 28 जनवरी को मोदी भीलवाड़ा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पहले से ही चौकन्ना हो चुका है। गुर्जर समाज के आराध्य देव नारायण भगवान के 1111वें प्राकट्य दिवस पर मोदी भीलवाड़ा पधारेंगे। मालासेरी डूंगरी में मोदी काफी देर तक रुकने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन के अधिकारी मुस्तैद हो चुके हैं। मंदिर समिति की ओर से भी मंदिर की साज सज्जा का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 28 तारीख का दिन ऐतिहासिक होगा। मोदी मालासेरी में 1.25 घंटे तक रुकेंगे। गुर्जर समाज के आराध्य देव नारायण भगवान के दर्शन करेंगे। इसके बाद विष्णु महायज्ञ में पूर्णाहुति भी देंगे। भगवान राम जी के लिए अयोध्या है, और जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए जो मथुरा है, उसी तर्ज पर उसी के समकक्ष ये भगवान देवनारायण की आराध्य स्थली है। और भगवान देवनारायण हमारे लिए आराध्य है, तो हमारे लिए मालासेरी डूंगरी उनके समान है। और इस पे 1111वां अवतरण दिवस पे ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा, तो इसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी देवनारायण भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं। हर बार जयंती पे भगवान देवनारायण के अवतार स्थली पे कोई न कोई अतिथि आते हैं, तो उसी कड़ी में अब की बार भगवान का बुलावा था, तो अपन प्रधानमंत्री जी को बुलाया, वो यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। पीएम मोदी के आने से पहले ही प्रशासन के तमाम अधिकारी और पुलिस इलाके का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि कहीं से भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होने की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। मोदी के आने की खबर से ही लोग उत्साहित हैं। मंदिर में भी उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। जी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का 28 तारीख का जो दौरा है, उस संबंध में पुलिस व्यवस्था के हिसाब से जो माकूल स्टेप्स उठाने हैं वो उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो फोर्स डिप्लॉयमेंट करनी है, जो ट्रैफिक डाइवर्जन करना है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा किया जा रहा है। और हम आश्वस्त करते हैं कि एक अच्छी विजिट रहेगी और किसी की प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। भीलवाड़ा शहर में गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में चुनावी साल है और मोदी का ये दौरा भी उसी को लेकर हो रहा है। लेकिन मंदिर में मोदी के आने को लेकर यहाँ के पुजारियों की कुछ और ही राय है। वो तो ये कह रहे हैं कि भगवान के प्राकट्य दिवस पर हर साल किसी न किसी खास मेहमान को बुलाया जाता है, तो भला मोदी से बड़ा खास मेहमान और कौन होगा। अब की बार ऐतिहासिक है, और इस भारत वर्ष में भारत के अंदर सहित विदेशों में सर्वशक्तिमान जो भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी है, तो उनसे बड़ा कोई उचित अतिथि हो नहीं सकता। इसलिए हमारी समिति ने और देवभक्तों ने निर्णय किया कि अभी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को नोटा दिया, और उस नोटे को प्रधानमंत्री जी ने कार्यालय में स्वीकार हुआ, और प्रधानमंत्री जी के आने की 100% संभावना, और यहाँ पे तैयारियां उनको कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारियां चल रही हैं। खैर, राजस्थान में जिस तरह से अब बीजेपी एक्टिव हो रही है, उसे लेकर ये कहा जा रहा है कि पार्टी चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होना, और बैठक में नड्डा की क्लास में वसुंधरा को तवज्जो मिलना, सतीश पूनिया को भी आगे के लिए हरी झंडी देना, ऐसी तमाम चीजें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब बीजेपी राजस्थान में एन केन प्रकारेण अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है। पार्टी ने सीएम पद के लिए कोई चेहरा तो निर्धारित नहीं किया है। सारे नेता ये कह रहे हैं कि चुनावी चेहरा तो मोदी ही होंगे। शायद इसीलिए अब मोदी भी अपनी आमद का एहसास करवाने के लिए भीलवाड़ा आ रहे हैं। राजस्थान तक के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट।